प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली से शिक्षा ऋण सहित भारत सरकार के 9 मंत्रालयों की 13 सरकारी ऋण योजनाएं एक जगह सर्वसुलभ बनाने हेतु जनसमर्थ पोर्टल की शुरुआत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस पोर्टल से सभी सरकारी एवं निजी बैंकों को जोड़ा गया है ताकि ग्राहकों को जिस बैंक से कम ब्याज पर आसानी से ऋण मिले वह वहां से ऋण लेने हेतु इस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन सीधे संबंधित बैंकों तक पहुंच जाएगा तथा बैंकों द्वारा एक आसान ऋण स्वीकृति प्रक्रिया के उपरांत राशि सीधे आपके खाते में जमा हो जाएगी। उन्होंने बैंक अधिकारियों से कहा कि वे आम जनता तक आसानी से पहुँचने के लिए विशेष सक्रियता दिखाएं तथा जनसमर्थ पोर्टल को सफल बनाने हेतु कार्य करें। प्रधानमंत्री ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये का नया स्मारक सिक्का जारी करते हुए कहा कि ये सिक्के नई पीढ़ी को आज़ादी के अमृत महोत्सव का स्मरण कराएंगे। इस अवसर पर एनएक्ससी भवन के सभागार में पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ल और राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, SBI के उप महाप्रबंधक संजीव कुमार, बड़ौदा UP बैंक के अध्यक्ष देविंदर पाल ग्रोवर, पंजाब नेशनल बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक राजीव जैन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रबंधक LB झा, बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय प्रमुख सर्वेश कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल और पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, स्वर्ग और धरती पर मानव सेवा से बेहतर कर्म खोजना कठिन है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय देशवासियों की सेवा का उनका उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय सुशासन और लोक कल्याण की भावना को देखकर इन सिद्धांतों और पहलों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पहला, प्राथमिक नीतियों में ऐसे बदलाव लाए जाएं जो बजट संबंधी प्रक्रियाओं की कार्यक्षमता बढ़ाएं। बजट घोषणा की तारीख को अग्रिम दिन से 1 महीने से घटाया, रेलवे बजट को मुख्य बजट से जोड़ा गया, जरूरी बदलाव आए गए। दूसरा, सरकार की जिम्मेदारी बढ़ने के बाद कमजोर की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना को जन धन योजना के जरिए करोड़ों देशवासियों के लाभ जोड़कर DBT के जरिए करो। राशि भी सीधे खाते
बातें सही समय पर सही निर्णय करना है। अपनी एक नींव सी बनाने एक बेहतरीन सफर तय किया है। आप सभी इस विरासत का हिस्सा है। देश के सामान्य जन के जीवन को आसान बनाना हो या फिर देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना हो, बीते 75 वर्षों में अनेक साथियों ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। ये आइकनिक भी ऐसे हर साथी को अतीत ऐसे हर प्रयास को जीवन करने का अवसर है। आजादी के अमृत काल में हम अपने इस अतीत से प्रेरित अपने प्रयासों को और बेहतर कर सकते हैं। ये दिशा में बहुत अच्छा कदम है। आज यहां रुपये की गौरवशाली यात्रा को भी दिखाया है। इस सफर से पॉलिटिक आया और डिजिटल प्रगति की शुरू हो नए सिक्के भी जारी किए। ये नए सिक्के देश के लोगों को निरंतर अमृत काल के लक्ष्य याद दिलाएंगे, उन्हें राष्ट्र के विकास में योगदान के लिए प्रेरित करेगा। अगले एक हफ्ते में अनेक कार्यक्रम आपके विभाग के द्वारा होने वाले हैं। इस अमृत कार्य से जुड़े सभी विभागों को, आपकी हर छोटी मोटी इकाई को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आध्यात्मिक का यह अमृत महोत्सव सिर्फ 75 वर्षों का उत्सव मात्र नहीं बल्कि आजादी के हमारे नायक नायिकाओं ने आजाद भारत के लिए जो सपने दिए, उन सपनों को सेलिब्रेट करना, उन सपनों को परिपूर्ण करना, उन सपनों में एक नया सामना करना और नए संकल्प को लेकर के आगे बढ़ने का ये काम आजादी के लंबे संघर्ष में जितने भी हिस्सा लिए उसने इस आंदोलन में अलग डायमेंशन को जोड़ा, उसकी ऊर्जा बढ़ाई, किसी ने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया, किसी ने अस्त्र शस्त्र का रास्ता चुना, किसी ने आस्था और अध्यात्म का रास्ता चुना, तो किसी ने इंटरनेशनल आजादी के अलग तो दबाव जगाने में अपनी कलम की ताकत का उपयोग किया, किसी ने फौज से शरीर में मुकदमे लड़कर के देश की आजादी में एक नई ताकत करने का प्रयास किया। इसमें आज जब आया हम आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं तो प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है कि वो अपने अपने स्तर पर अपना कोई विशिष्ट योगदान राष्ट्र के विकास में जरूर जोड़े। आप देखिए, अगर हम राष्ट्र के तौर पर देखें तो भारत ने बीते 8 वर्षों अलग अलग आयामों पर नित्य नूतन कदम उठाए हैं, नवीन काम करने का प्रयास। इस दौरान देश में जो जनभागीदारी बढ़ी उन्होंने
विकास को गति दी है, देश के गरीब से गरीब नागरिक को सशक्त किया है। स्वच्छ भारत अभियान ने गरीब को सम्मान से जीने का अवसर दिया। पक्के घर, बिजली, गैस, पानी, मुफ्त इलाज जैसी सुविधाओं ने हमारे गरीब की गरिमा बढ़ाई। आज बहुत गौरवशाली क्षण है देश के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से ही देश की सारी अर्थव्यवस्था को पारदर्शी करने का और नागरिकों का हक पहुंचाने का पारदर्शी तरीके से और सत्य प्रसिद्ध विश्वसनीयता के तरीके से अपने प्रारंभिक दिनों से ही काम किया था, जब उन्होंने जनधन योजना प्रारंभ की थी। और 35 करोड़ ऐसे लोग जिनकी बैंक तक पहुंच नहीं थी, बैंकों को उनके घर तक पहुंचा दिया था। आज मैं कहूं तो पिछले 8 सालों में जन बेहतरी और जन सरोकार से संबद्ध जितनी भी योजनाएं भारत सरकार की हैं, उन योजनाओं की पहुंच हमारे घर में बैठकर हम अपने मोबाइल के माध्यम से कर सकें। सभी योजनाओं का अपनी योग्यता और अपनी क्षमता के अनुसार लाभ ले सकें। हमें इवन बैंक के कार्यालय और कचहरियों में दौड़ना न पड़े। हम जिस भी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे पढ़ना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, कृषि के क्षेत्र में अपना विकास करना चाहते हैं और स्ट्रीट वेंडर से लेकर बड़े उद्योग तक जिस भी प्रकार का व्यवसाय करना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री ने आज हमको जन समर्थ योजना के पोर्टल के माध्यम से एक ऐसा मंच उपलब्ध करा दिया है जो शायद दुनिया में कहीं भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी खूबी है कि देश में जितनी भी अर्थ संस्थाएँ, बैंक इत्यादि हैं, उन 13 योजनाओं से संबद्ध सभी बैंकों में जिस प्रकार की सुविधा मिलती है, एक ही प्लेटफॉर्म पर हमको सारे बैंक मिल जाएंगे, सबकी सुविधाएं मिल जाएंगी। हमें यह अधिकार होगा कि हम जिस भी बैंक की योजना का लाभ ले सकें, लेना चाहें, हम उसकी पहुंच के भीतर होंगे और वो संस्था हमारे पहुंच के भीतर होगी। तो ये एक बहुत अभिनव प्रयास है आर्थिक विकास की दृष्टि से और मानव संसाधन की वृद्धि की दृष्टि से। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए अपने नागरिकों की ओर से हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। आभारी हूँ अपने गोरखपुर के स्थानीय सभी बैंक प्रबंधकों के, जिन्होंने इस कार्यक्रम में हम लोगों को माननीय प्रधानमंत्री के उपस्थित होने का अवसर दिया। देखिए, कभी किसी ज़माने में चीज़ों के लेन देन और सुविधाओं के लेन देन में मानकीकरण नहीं होता था। वस्तुएँ एक दूसरे से आदान प्रदान कर ली जाती थी, जिसको हम बार्टर ट्रेड कहते थे। धीमे धीमे दौर आया जब इन सिक्कों का प्रचलन होने लगा। ये सिक्के हमारे सामर्थ्य के भी और हमारी क्षमता के भी प्रतीक होते हैं। ये एक सच है, व्यवहारिक सच्चाई है कि आज के युग में सिक्के भारी होते हैं, रुपए हल्के होते हैं, इसलिए रखने आसान होते हैं। लेकिन अस्थाई संपत्ति जो लोग आज भी अपने घरों में और गुल्लकों में रखते हैं, वो सिक्के ही होते हैं। 13 भाषाओं में ये सिक्के बनाए गए हैं और 1 रुपए से लेकर के 20 रुपए तक लगते हैं। 1, 2, 5, 10, 20 के सिक्के अब मानकीकृत होकर के उपलब्ध होंगे। बीच में एक सिक्कों की कमी का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टिव्स हैं कि कोई भी बैंक सिक्का लेने से मना नहीं कर सकता है। मुझे याद है मैंने एक बार भी स्वयं भी रिजर्व बैंक को चिट्ठी लिखी थी इस संदर्भ में। और सबसे बड़ी खूबी है कि दिव्यांग जन के लिए भी इस जो लोग दृष्टिबाधित होते हैं उनके लिए भी सिक्कों में प्राविधान किए गए हैं और दृष्टिबाधिता उनके सिक्के के प्रयोग में किसी प्रकार का बाधक नहीं बनेगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज एक जन समर्थ ऐप जारी किया है, जो समझिए वित्तीय इनोवेशन के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 9 मंत्रालयों की 13 योजनाएं एक साथ आएंगी और उसका लाभ उठा सकेंगे, विशेष करके युवा
जिनको लोन इत्यादि में परेशानी होती है वह इस ऐप पर जा कर के करेंगे। और बैंक को भी प्रधानमंत्री जी ने इस बात का निर्देश दिया है कि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देने के लिए वह स्वयं आगे आएँ। यहाँ बैंक के सभी अधिकारी भी हैं। मैं समझता हूँ कि यह इस योजना से इतना लाभ होगा कि बड़े सरलता के साथ सभी के सभी लोग अपना लोन भी ले सकेंगे, जानकारी भी कर सकेंगे, अपने आगे भी बढ़ सकेंगे। इसमें व्यापार से लेकर के कृषि अन्य विभाग जो लोग हैं वो भी आकर के इसका लाभ उठा सकेंगे।